नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। अगर आप शिपिंग शेयरों में देखें आज तो तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। आप कोई भी स्टॉक उठाकर देख लीजिए। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, सबसे पहले शेयर की बात करते हैं, इसमें करीब 17% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा SR शिपिंग के शेयर को देखें, 10% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिला। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी को देखें, 5% का अपर सर्किट यहाँ पर भी देखने को मिला। CMAC के शेयरों में देखिए, 5% का अपर सर्किट यहाँ पर भी रहा। मतलब आप जो स्टॉक उठाकर देख लीजिए। ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज को देखें, यहाँ पर भी 3-4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। मजगांव डॉकशिप बिल्डर्स को देखें, यहाँ पर भी हरे निशान में कारोबार करते और एक अच्छी खासा अपसाइड यहाँ पर देखने को मिला है। आपके सामने स्क्रीन पर 2.5% से 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। कोचिंग शिपयार्ड को देखें, यहाँ पर भी अच्छा खासा तेज़ी है यहाँ पर। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अचानक से ये शिपिंग सेक्टर से जुड़े जो स्टॉक हैं इनमें तेज़ी क्यों है, आखिर इसमें बुलरन अचानक से क्यों जाग गया है। तो ये जो खबर है ये समझने की हम कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, दरअसल खबर ये है कि मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट्स चल रही हैं। रिपोर्ट्स में क्या है कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से शिपिंग सेक्टर को बजट में बड़ा बूस्टर डोज मिल सकता है। हरित नौका स्कीम के लिए बजट में मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का ऐलान किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर हरित नौका स्कीम है क्या, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। तो देखिए, हरित नौका प्रोजेक्ट जो है एक अनोखी पहल है, जिससे नौका यानी कि जिसे नाव कहते हैं, बोट कहते हैं, उसके प्रोडक्शन के बिजनेस को ज़्यादा मजबूत और पर्यावरण अनुकूल बनाने की कोशिश की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत नौकाओं का निर्माण रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और पर्यावरण के अनुकूल जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उससे ये किया जाएगा। इसी प्रोजेक्ट में भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित और यहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाला जहाज पर भी काम किया गया है। आपको बता दें कि इसका प्रोडक्शन कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। अब आने वाले समय में कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड हाइड्रोजन से चलने वाले ज़्यादातर जहाज़ों का निर्माण करने में भी सक्षम होगा। अगर आप देखें तो आज स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी खबर के बूते 5% का अपर सर्किट देखने को मिला था, अब थोड़ा सा सेटल डाउन होता हुआ दिख रहा है। दरअसल हरित नौका प्रोजेक्ट भारत में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं कि बजट को में मीडिया में जिस तरह की रिपोर्ट चल रही है वो आखिर किस तरह की चीज़ें खबर हैं यहाँ पर। तो देखिए, बजट में शिपिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान होने की संभावना है। दरअसल खबर यह है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड यानी कि जिसको MDF कहते हैं, उसका ऐलान हो सकता है। यहाँ पर इस बजट में MDF में 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन हो सकता है। यह अच्छी खासी रकम है, 15,000 से 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की शिपिंग सेक्टर में। सरकार शिपिंग क्षेत्र को कम लागत और लंबे वक्त के लिए वित्तीय सहायता देने के मकसद से समुद्री विकास कोष बनाने का ऐलान कर सकती है। इस तरह की खबरें हैं मीडिया में। शिपिंग क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने पर विचार चल रहा है। दरअसल ब्लू इकोनॉमी, जो हम लोग अक्सर सुनते होंगे आप ब्लू इकोनॉमी की बात, तो ब्लू इकोनॉमी को लेकर बड़ी उम्मीदें की जा रही हैं। साल 2047 की पहल के तहत समुद्री क्षेत्र में 75 से 80 ट्रिलियन रुपये की आप बात करें उसका निवेश बनाने की योजना की जा रही है। और अभी तक शिपिंग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का दर्जा न होने से शिपिंग जो सेक्टर है उसको लंबे वक्त में कम लागत वाले फंड के लिए संभावित रास्ते जो है उसके सीमित हो जाते हैं। उस तरीके से फंड नहीं मिल पाता क्योंकि इंफ्रा नहीं होता, और इंफ्रा नहीं होता तो इसलिए दिक्कत आती है। तो सरकार क्या कर रही है, वो फंड तैयार कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये कम आकर्षक ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक हो सके। और अब इसी सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए वित्त मंत्रालय इसके ऊपर काम कर रहा है। और ये खबर जो निकल कर आई है, और आप देख लीजिए तमाम स्टॉक्स उठाकर देख लीजिए शिपिंग सेक्टर के, सब में ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चाहे आप GE शिपिंग को देखें, करीब 12% की तेज़ी है। इसके अलावा मजगांव डॉक को देखें, 3% के आसपास यहाँ तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स से देखिए, कोचिंग शिपयार्ड 4-5% का अपर सर्किट लगा था, थोड़ा सेटल डाउन हो गया। और इसके अलावा SR शिपिंग को देखें, 10% का अपर सर्किट। तो देखिए, तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और साथ ही हम लोग आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि हमारी तरफ से यहाँ पे किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं रहती। हमारा काम है आपको न्यूज़ देना एक पत्रकारिता के तौर पे, पत्रकार के तौर पे, तो हम लोग वो आपके साथ साझा करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Rally that we are seeing dramatically accelerate in
in rail stocks, as also defense. Some parts appear to be intensely overheated. Are these valuations giddy? Do you get a feeling every now and then ki bahut ho gaya bhai ab kuch to samjho? Or like I was mentioning in my opening comments, there is absolutely no reason to fight with liquidity. How do you